इंडियन आर्मी में अभी लगभग 556 अगमेंटेड रियलिटी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले या हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को इंडक्ट करने का प्लान किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच किस वजह से एक्चुअल डिसएंगेजमेंट नहीं हो पा रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी व्हाट्सएप की तरह एक सिक्योर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन को तैयार किया गया, जिसको अप्रैल से ही पूरे इंडियन आर्मी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी LOC में सीज फायरिंग को रोकने के साथ साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने की बात की गई है, और यहां तक कि भारत पाकिस्तान को SAARC समिट को आयोजित करने में समर्थन करने के साथ साथ PM नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के गश्त पर भी जा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी एक सील्ड को डेवलप किया गया, जो कि रशिया की S-400 सिस्टम को काउंटर कर सकता है, और इसको स्पेशली F-35 के लिए डेवलप किया गया है। और अंत में इसरो की SSLV की पहली ट्रायल से पहले ही US बेस्ड कंपनियों की तरफ से इसमें अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसको बुक किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। PTM एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी करीब 556 अगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया है। इन सिस्टम की मदद से हमारे ग्राउंड ट्रूप्स की कैपेबिलिटी को बेहतर किया जा सकता है, और स्पेशली इसमें हमारे ट्रूप्स को कोई भी मैन पोर्टेबल या सोल्डर फायर मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने में या डिफेंस गन को ऑपरेट करने में काफी मदद मिलने वाली है। ये एक तरीके से उनके लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम की तरह काम करने वाली, जो कि उनको रडार इन्फॉर्मेशन या थर्मल इमेजिंग इन्फॉर्मेशन को आंखों के सामने दिखाने वाला है, जो कि आगे चल के उनकी रिएक्शन टाइम को कम करने के साथ साथ एफिशिएंसी को बेहतर करने वाला है। ये एक ऑल वेदर केपेबल सिस्टम होने वाली है, साथ ही इसे बोथ डे और नाइट कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी सिस्टम को अभी हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2020 के अंदर खरीदने का फैसला किया गया है, और इन सभी को अभी Make 2 कैटेगरी के अंदर खरीदा जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी कंपनियों को इसकी प्रोटोटाइप्स को अपने तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, जिसके बाद इनको टेस्ट किया जाएगा और फिर जाके इस टेस्ट में सिलेक्ट किए गए किसी एक कंपनी को मास ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर, जैसे कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना दोनों ही तरफ से ट्रूप्स को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब विजिबल डिसएंगेजमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल डिसएंगेजमेंट अभी तक ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी एक्चुअल डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर सभी ट्रूप्स को अप्रैल 2020 की पोजीशन में लाने की बात की गई थी, लेकिन अभी एक ट्रस्ट डेफिशिट होने की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाल ही में सैटरडे को जो बॉर्डर मीटिंग किया गया था, उसमें कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के बारे में बात किया गया था, लेकिन उसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और आर्मी चीफ के मुताबिक इस पे थोड़ा वक्त लगने वाला है। वैसे देखा जाए तो ये भारत और चाइना दोनों के लिए अभी के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव को धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया जाए। अभी चाइना के साथ हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज को लेके है, क्योंकि हमारी भाषा वो नहीं समझते और हम उनकी भाषा नहीं समझते, जिस वजह से तनाव काफी हद तक बढ़ जाता है। इसको अभी कम करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक AI ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि चाइनीज लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाली है, साथ ही इंग्लिश को चाइनीज की मैंडरिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली है। लेकिन ये इतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंडरिन बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, जिसमें एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा गलत हो जाता है तो इसका मतलब पूरा बदल जाता है, साथ ही इसमें बॉडी लैंग्वेज भी काफी हद तक मायने रखता है। पर फिर भी अभी आर्मी की तरफ से इसको इफेक्टिवली बनाने की कोशिश किया जा रहा था कि आगे चल के भारत और चाइना के बीच अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई फेसअप होता है तो हमारे जवान और चाइना के जवानों के बीच लैंग्वेज को लेकर कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए, और अगर वो आगे चल के हमारी बात को सही तरीके से समझ पाते और हम उनकी बात को समझने लगते हैं तो फेसअप और तनाव काफी हद तक रिड्यूस हो सकती है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि आजकल साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफी सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं और डाटा और प्राइवेसी को लेकर काफी सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, और स्पेशली हमारे मिलिट्री पर्सनल्स के ऊपर बाहर के देशों की सीक्रेट सर्विस एजेंसी की तरफ से नजर रखने की कोशिश किया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया में अलग अलग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डाटा ट्रांसमिशन का जरिया बनने के साथ साथ डाटा लीक होने का रिस्क भी पैदा हो रहा है, जिस वजह से अभी आर्मी की तरफ से एक सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तलाश किया जा रहा था। इसको लेके अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ने बताया कि इसी साल अप्रैल तक ही आर्मी की तरफ से एक बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। इसे इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया गया, और इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर कर्नल साई शंकर ने इसको डेवलप किया है।
इसकी अभी हमारे सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से डाटा और साइबर सिक्योरिटी टेस्टिंग किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि एक व्हाट्सएप की तरह सिस्टम होने वाली और ये पूरे इंडियन आर्मी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि एप्लीकेशन अभी ग्लोबल एप्लीकेशन के मुकाबले प्राइवेसी के मामले में बेहतर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही इसको लोकली डेवलप किया जाएगा, जिस वजह से इसमें जो भी इशू सामने आएंगे उसको तुरंत ही ठीक किया जा सकेगा, जिसके लिए ये किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से टर्की की T-129 ATA के हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की कोशिश किया जा रहा था। इसके लिए 2018 में टर्की और पाकिस्तान के बीच एक एमओयू को साइन किया गया था, लेकिन बीच में यूएस की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन को सप्लाई करने से इनकार कर दिया गया था, जिस वजह से आज तक टर्की और पाकिस्तान के बीच होने वाली डील आगे नहीं बढ़ पा रही थी। नॉर्मली T-129 हेलीकॉप्टर में दो T-804A इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको रोल्स रॉयस और हनीवेल के बीच जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंजन को सप्लाई करने से इनकार कर दिया गया था, तो टर्की अभी पाकिस्तान को जिन हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करने की कोशिश करेगा उसके लिए टर्की को एक नए इंजन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन किसी भी हेलीकॉप्टर में किसी दूसरे वेंडर की इंजन को इतनी आसानी से फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाल ही में टर्की की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के कुछ वेंडर को हायर किया गया था, जो कि अभी टर्की को इन हेलीकॉप्टर्स को किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस दिलाने में मदद करने वाले हैं। अब अगर टर्की को यहाँ पर किसी तीसरे देश को इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस मिल जाता है, तो वो इसको आगे चल के पाकिस्तान को भी सप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी वापस इस डील को रिवाइव करने की उम्मीद किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो हेलीकॉप्टर काफी अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और अगर इनको टर्की पाकिस्तान को सप्लाई करता है तो ये भारत के लिए एक मेजर खतरा बन सकते हैं। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव को कम करने को लेकर बातचीत करने के बाद अभी भारत और पाकिस्तान के बीच भी शांति कायम करने की बातचीत शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अभी भारत और पाकिस्तान की तरफ से LOC में जो सीज फायरिंग का वायोलेशन किया जाता था इसको कम्प्लीटली बंद करने का फैसला किया गया, यानी कि अब से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में सीज फायरिंग नहीं किया जाएगा। अभी इसको लेके पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि अब से भारत और पाकिस्तान के बीच LOC में जो भी इशू रहेगा उसको डिप्लोमेटिक वे में सॉल्व किया जाएगा, और DGMA लेवल में इसको लेके सीधे तौर पर बातचीत की जाएगी। और अभी इसको लेके हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ के बीच बातचीत किया गया था। इसके बारे में अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें वो पहले से ही भारत के साथ खराब हुए अपने सभी डिप्लोमेटिक इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भारत और पाकिस्तान की तरफ से अपने अपने कैपिटल में हाई कमिश्नर रैंक की ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात की गई, जिससे दोनों देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे बन सकेंगे। एक और मजे की बात यह है कि अभी भारत की तरफ से SAARC समिट को पाकिस्तान में होने के लिए समर्थन करने की बात सामने आई है, जिसको उरी अटैक के बाद भारत की तरफ से विरोध किया जा रहा था। इस मीटिंग को 2021 में इस्लामाबाद में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान के गश्त पर जा सकते हैं। अब PM मोदी जी का पाकिस्तान के दौरे पर जाना अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा संदेह किया जा रहा है कि अगर भारत SAARC समिट को पाकिस्तान में करने के लिए अपना समर्थन देता है तो हमारे PM पाकिस्तान के गश्त पर जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे रिलेशन के बीच जो नेगेटिव असर पड़ रहे थे इसको कुछ हद तक वहाँ पे ठीक किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को और इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सकता है तो आगे चल के भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर बनने के थोड़ा चांस है, लेकिन जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके और इसकी तोड़ को लेके। आप सभी को पता होगा कि S-400 सिस्टम को अब तक का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी मार के गिरा सकता है, और स्पेशली इसको F-35 की काउंटर बताया जाता है। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने अभी रशिया की S-400 सिस्टम का एक तोड़ निकाल लिया है। इसको अभी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की रिसर्च लैब की तरफ से बनाया गया है, जिसका नाम सील्ड रखा गया है। इसकी पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट को US एयरफोर्स लेबोरेटरी की तरफ से इसी महीने के अंत तक तैयार करने की बात की गई है, और इसे जल्दी से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टेस्ट भी किया जाएगा।
ये एक तरीके से लेजर वेपन या डायरेक्ट एनर्जी वेपन की तरह होने वाली है, जिसको सीधे एयरक्राफ्ट की एक्सटर्नल पॉड में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसमें सिर्फ लेजर नहीं बल्कि लेजर के साथ साथ माइक्रोवेव और पार्टिकल बीम सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दुश्मन की एयरक्राफ्ट के साथ साथ व्हीकल, पर्सनल, मिसाइल या किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको डेवलप करने के लिए अभी यूनाइटेड स्टेट के कई मेजर एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर कंपनी मिलकर काम कर रहे हैं, जिसको लॉकहीड मार्टिन लीड कर रहा है और इसे मेनली F-35 के लिए तैयार किया गया है। और लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक ये सिस्टम रशिया की S-400 सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक इमेज को शेयर किया गया था, जिसमें एक पॉड का स्ट्रक्चर दिखा गया था, जो कि शायद सील्ड सिस्टम हो सकता है। अब जैसे कि अभी इसकी सारे सब सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है और सभी टेस्टिंग को करने के बाद इसको 2024 तक सर्विस में शामिल करने का एम रखा गया है। अब अगर यूनाइटेड स्टेट ऐसा कर लेता तो ये पहला ऐसा डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होने वाली, जिसको सीधे तौर पर फाइटर जेट के साथ डिप्लॉय किया जा सकेगा। इससे पहले जिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को तैयार किया गया था, उनको मेनली ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से या फिर नेवल वॉरशिप में डिप्लॉय किया गया था। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसरो की तरफ से अभी एक नई रॉकेट को टेस्ट करने का प्लान किया गया है, जो कि शायद इसरो की स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV होने वाली है। और अभी इसकी पहली ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। इसरो की तरफ से पहले भी बात कई बार बताया जा चुका है कि धीरे धीरे स्मॉल सैटेलाइट का डिमांड बढ़ता जा रहा है और स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बड़े रॉकेट का इस्तेमाल करने से काफी सारे दिक्कत सामने आ रहे हैं, जैसे कि इनको बनाने में काफी वक्त लग जाता है और जब तक इनकी सभी स्लॉट पूरे नहीं होते हैं तब तक इनको लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है। लेकिन SSLV की बात करें तो एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल होने वाली, जिसको कम से कम वक्त के अंदर ही तैयार किया जा सकता है। और जैसे कि इनकी कैपेसिटी भी कम है, जिस वजह से इनकी स्लॉट भी काफी जल्दी कम्प्लीट हो सकते हैं, जिससे हम फ्रीक्वेंट लॉन्चेस को कर सकते हैं। ये लगभग 500 केजी तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में और 300 केजी तक के पेलोड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, जो कि हमें PSLV के मुकाबले लोअर पर केजी लॉन्च कॉस्ट को देने वाली है, क्योंकि एक PSLV को बनाने में लगभग 60 दिन और 600 लोगों की जरूरत पड़ती है। साथ ही वहीं पर अगर हम SSLV को बनाने की बात करें तो इसको बनाने के लिए लगभग 6 लोगों को 3 दिन का वक्त लगता है। अभी इसरो SSLV की टेस्ट फ्लाइट को करने से पहले यूनाइटेड स्टेट की कंपनी की तरफ से भी SSLV भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसको पहले से ही बुक कर चुकी, यानी कि जैसे ही SSLV की पहली टेस्ट फ्लाइट को किया जाएगा उसके तुरंत बाद ही SSLV D2 में इसरो अपनी पहली कमर्शियल लॉन्च को करने वाली है। और इसरो की तरफ से अभी इसकी टेस्ट को मार्च की पहले वीक के अंदर करने का एम रखा गया है, जिसमें डेमो के तौर पर इसरो की तरफ से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।